अगर हगा तूने बेटे तो तू देख। नाइस, निकलो यहां से फटाफट, निकलो 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 निकलो। निकल निकल निकल, भगा इसको, भगा भगा भगा, सीधा भगा 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 भगा, एस्कॉर्ट दे रहा हूँ पूरा। ऑल द बेस्ट बॉयज, ऑल द बेस्ट, सेम टू यू। जसु भाई पीछे भागना, लेफ्ट की तरफ भाग के पीछे आना, मेरी गाड़ी के पीछे आ जाना बस, इतना दूर नहीं आ पाएंगे वो। आना बस, भाग के आना बस, इसके हमारी हमारी गोलियों से। चल वो हैक कर लेगा उनको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू। हो गया, मिश्रा रेडी गोली चलाने के लिए। हैक हो रहा है या? चलो भाई कर जा, लूटो लूटो लूटो, गाड़ी देखो। जसु भाई आप लूटो, आर्मरिंग अप, मेरे को आर्मर नहीं दिया ना वो जी जी। पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखो, दो बंदे, मैं देख रहा हूँ पीछे। गाड़ी रेडी रखो, गाड़ी रेडी रखो, सामने से आएंगे। आगे आगे, सामने से सामने से सामने से, ट्रक से ट्रक से आमने सामने, नहीं आ पाएंगे वो, नहीं आ पाएंगे। अरे चलो चलो चलो, इजी इजी भाई। अरे उतर रहे वो, उतर रहे भाई, लूटो, उतरने दो, कुछ नहीं होएगा, लूट ले जसु। नहीं निकलो 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 निकलो, हो गया, बैठो जसु भाई, चलो 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 चलो, जसु भाई बैठो मेरे साथ, साथ निकलो निकलो निकलो। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो बैठ, चलो बैठ गया, चलो स्प्लिट अप। पुलिस किसकी, पुलिस का सायरन पता नहीं किसका था, नहीं उनका था या पुलिस का था, जस्ट फुक ऑफ, भागो बस यहाँ से। सर आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हमने पढ़ लिया, एक बार वर्बली एक बार टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में तो सर टर्म फर्स्ट है कि वही 26th मार्च से एवरी वीक के स्टार्टिंग में we have to pay 40,000 for the lease. प्रो रेटा बेसिस पे फर्स्ट वीक आप लोग 20K ही देना एंड देन स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक इट विल बी 40. ओके, सो फॉर द फर्स्ट वीक इज गोना बी 20, फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक्स इज गोना बी 40K. इज गोना बी 40, या एवरी मंडे. आई मीन इट्स नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब ऐसा मंडे का नहीं है, मतलब ओवर द वीक आप दे सकते हो, मतलब वी आर फाइन. इफ वी आर अनेबल सेकंड में है 1.2 में, it may get cancelled or invalid contract if we are unable to pay you the lease amount and you will be given some notice period. ठीक है, yeah, so I'll tell you, this is like legal language, but I'll tell you how practically हम लोग अभी तक दूसरे businesses के साथ work करते आए हैं. काफी time businesses में किसी में कुछ loss हो जाता है, कुछ up down हो जाता है, they let us know up front, थोड़ा पहले बता देते हैं तो हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं. ठीक है ठीक है, terms are good to go, देख लिया मैंने, public records तो मेरे clean ही है. Lessor should pay an amount of 40,000 at the date of signing, वो हम decide कर लिया 20K. ठीक है, use of premises में no illegal activity, correct. Compensation अगर पकड़े गए and पुलिस के according, मतलब ये सारा पुलिस के according है ना, कि illegal purpose and police find out that something wrong going on. हाँ हाँ हाँ, after basically the court हाँ, hearing अगर कुछ and prove होता है, हाँ prove हाँ, होता है तो we'll something be, gets proven, yeah, we have something to gets proven against your name. Slide sir, I have a question.
Like we, me and Mr. Malega are going through a case at PD because they have put a false charges on us. So after the charges are being proved guilty in the court, after that you will take an action, right? Not on the judgment made by the PD. See, sir, so it's very clearly written. You do something like minor wrong. अरे नहीं मतलब नहीं हाँ वो sir, वो समझ अगर आप नहीं, अपना नहीं। अगर आप अपना सेंटेंस सर्व करते हैं आपने ऑलरेडी सफर किया है I'm okay with it. हाँ, but premises में you don't know कुछ होता है हाँ हाँ नहीं से वो तो ठीक है वो तो ठीक है पर मेरे जैसे क्वेश्चन था if we are proved guilty by the court right अगर हाँ आपने कुछ premises पे कुछ किया और उसके regarding कोई केस हुआ और उसको अगर आप guilty proven हो जाते हो तो आई वुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट हां हां दैट आई एग्री केस देखेंगे कि कितना सिवियर है बहुत सिवियर नहीं है तो हम लोग सिर्फ फाइन ले सकते हैं लगेगा कि नहीं बहुत सिवियर है तो एविक्शन की बात कर सकते हैं मतलब केस बाय केस बेसिस है डिपेंड्स ऑन कि किस तरह का मतलब इलीगल एक्टिविटी हुआ है ठीक है सर जुडिशियल एक्शन भी ठीक है एंड टर्मिनेशन इफ अ पार्टी वांट टू इफ वी वांट टू कैंसिल द एग्रीमेंट वी हैव टू गिव अ प्रायर 2 वीक्स नोटिस ठीक है सर मैंने कह रहा था बाय चांस अगर हमने कभी कुछ गलत नहीं किया नहीं देखो उसमें लिखा है ना आप देखो लास्ट जो टर्म है उसमें ये नहीं लिखा इफ एनी गिवन पार्टी वांट टू कैंसिल द लीज एग्रीमेंट का मतलब है कोई भी पार्टी अगर मैं या आप हम दोनों में से कोई भी अगर उसको कैंसिल करता है तो वो 2 वीक नोटिस देगा अगर मेरे को आपसे वापस लेना है तो मैं आपको 2 वीक पहले बताऊंगा ठीक है 2 वीक नोटिस एंड अ वीक वीक कंपनसेशन ठीक है सर वैसे आपका कोई आपका और गवर्नमेंट का कोई प्लान है इसे प्राइवेटाइज करने का इस सेक्टर को इस सेक्टर को मतलब सर देखेंगे मतलब इन फ्यूचर नॉट नाउ हां मतलब इन फ्यूचर अगर लगेगा कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए और बहुत स्मूथ ऑपरेशंस है तो हम कर भी सकते हैं बट उसके लिए वी वुड नीड मतलब जो अभी जो बेसिकली ओनर है ना दे डू नॉट ट्रस्ट लाइक एवरीवन तो उन्होंने स्टेट को 99 इयर्स की लीज पे दे रखा है तो वो कीज वीज जो है ना वो खुद ही आते हैं हैंडओवर करने इसीलिए लाइक द डे ही इज ओके वो उनको दिखा देंगे हम आपका परफॉर्मेंस कि आप अच्छा कर रहे हैं अगर वो कीज डायरेक्टली आपको हैंडओवर कर देंगे तो आप खुद ही खोल के मतलब कभी भी यूटिलाइज कर पाओगे सर्विस नहीं नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस तो वही रहेंगे जो हमने डिसाइड किया है बिकॉज़ टू मेंटेन द मतलब वो हां डेकोरम भी और थोड़ा यूजुअल स्टफ ना ऐसे ना मतलब बार-बार रेपिटेटिव ना हो वो तो सही रहेगा नहीं वो मतलब इन फ्यूचर पूछा था जस्ट बिकॉज़ के अगर हम प्राइवेटाइजेशन करें मतलब हम अपनी तरह पूरा संभालें और उसमें ज्यादा हम टाइम दें और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे ऑब्वियसली वी गोना अभी भी प्रीटी मच आप ही संभालिए कोई इशू नहीं है हम लोग बस खुलवाने आएंगे बस दैट्स इतना ही अपना रहेगा इंटरव्यू ठीक है सर लाइट सर और एक और क्वेश्चन लाइट सर जैसे आपने 2 डेज अ वीक किया हुआ है तो वो जैसे अब अगर हम लेके चले मंडे एंड सैटरडे अगर हम उस पर प्लानिंग करते हैं तो वो मंडे डेट हाँ जी सर मेयर को देखो मेयर तो अपना है भाई दैट्स ऑन योर वो तो नहीं अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लाइक वी डिसाइड मंडे एंड सैटरडे सो वो मंडे सर मॉर्निंग में भी खुलेगा ना मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि नाइट करें नहीं नहीं हम ये सोच रहे थे फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे पास 2 दिन का स्लॉट है एंड वी यूज यूटिलाइज दो स्लॉट एक बार मॉर्निंग में कुछ टाइम के लिए और एक बार नाइट में कुछ टाइम के लिए so that the people I think हाँ that can be done I think that can be हाँ so that will be I mean वो दोनों के लिए वो फिर वो दोनों के लिए हो रहेगा ना I get your point, वो कर सकता है मेरा बस एक सजेशन रहेगा सर एक दिन ऐसे कि फर्स्ट डे आप जरूर ट्राई करके देखें जो भी आप एंट्री फी रख रहे हैं मैं कहूंगा कि एटलीस्ट डे 1 पे ना आप उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें कंपेयर टू अदर डेज बिकॉज पहला दिन थोड़ा लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे पता चलेगा तो जितना भी हम चार्ज करेंगे उसमें कोई टाइम का इतना ज्यादा लिमिटेशन नहीं रहेगा बिकॉज़ दे हैव टू एक्सप्लोर प्लस उनको ढंग से दिखाया जाएगा हाँ। मैं और ये रफ्तार आपको साइन करके मेल कर देंगे इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी मतलब वही मेल कर देंगे ना आपको या आप कुछ चाहिए हाँ, हाँ, आप मेल करें हम लोग सब डिजिटल साइन चलता है तो आप एक बार मेल करें फाइनल कॉपी हम लोग आपको भेजेंगे द मोमेंट आपके पास अभी ये कॉपी पहुंच गई है ना का मतलब है कि आप अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं आपको देर को एक ट्रैक का टूर दे रहा है ठीक है तुझे ड्रिफ्टिंग पता है ना मसल बाइंड्स पता है बेसिक मसल बाइंड्स अबे तेरे को लगता है मेरे को जुड़ता है पता होने की
हां तू स्पेस बार दबाएगा गॉड तो मैं हूं ही तू स्पेस मसल फ्लेक्स करेगा बार बार स्पेस मसल मेरे घोड़े पे ये है ट्रैक अच्छा चलो फ्लेक्स करना बंद करो इधर लाओ गाड़ी हां तेरे को बस एक ट्रैक कहां वो दे रहा हूं ठीक है ये ट्रैक दिखा रहा हूं तेरे को कहां से शुरू है कहां पर एंड है भाई ये ड्रिफ्ट स्किल्स फ्लेक्स कर रहा है भाई लोग कई सर्कल्स छोड़ देते हैं कई जगह छोड़ देते हैं स्किप कर देते हैं कई बार अच्छा यप डोंट गो अबव 40 50 40 टू 45 अच्छा चाहे वो कितना भी कर ले हमें इग्नोर चाहे क्या वो कितना भी कर ले हमें इग्नोर वाह भाई वाह 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 ओयो में वो कहती है बेबी वंस मोर वाह 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 क्या बात है 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 क्या बात है